हेलो दोस्तों, मैं आज बनाऊंगी ड्राई फिश की एक रेसिपी। इसे शूट की माछ भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रिंजल, पोटैटो और ड्राई फिश को मैंने यहाँ पे भिगो के रखा है पानी में, और स्लाइस अनियन लिया है, ग्रीन चिली, गार्लिक, और गार्लिक को हम क्रश करके यूज़ करेंगे, और यहाँ पे है हल्दी, नमक और थोड़ा सा ही रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, और मैं इस रेसिपी को सरसों के तेल में बनाऊंगी। तो पहले हम इस ड्राई फिश को बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करते वक्त हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। और बॉईल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, बॉईल करने से ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और एकदम अच्छे से साफ भी हो जाएगा। इसके बाद हम गैस पे कढ़ाई को चढ़ा देंगे और उसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तो इस रेसिपी में ऑयल अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो यह खाने में अच्छा लगता है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पहले पोटैटो को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए हैं। तो पहले पोटैटो को फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। और पोटैटो काटते वक्त ये ध्यान रखना कि इसे ज़्यादा बड़े साइज़ में मत काटना, नहीं तो वो बॉयल होने में टाइम लग जाएगा। अब हम इसमें अनियन को दे रहे हैं और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो पोटैटो फ्राई करते करते थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने के बाद ही आप इसमें ब्रिंजल को ऐड करना, नहीं तो पकाते वक्त ब्रिंजल एकदम गल जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और गार्लिक। चिली को मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप चिली कम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस खाने में तीखापन तो ज़्यादा हो तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिली थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। अब हम इसमें ड्राई फिश को दे रहे हैं और इसे थोड़ा सा अब मिला देंगे, और इसे मिला देने के बाद हम एक लीड की मदद से इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। तो इस रेसिपी में आपको पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लीड की मदद से ढक के रख देना, ये वहाँ पे एकदम बॉयल हो जाएगा। ये 5 मिनट हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये बॉयल हुआ कि नहीं। तो ये लगभग बॉयल हो चुका है, और भी थोड़ी देर इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे, उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा रेसिपी। तो ड्राई फिश की रेसिपी को बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है, मैं उन सब रेसिपी को भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगता है इसमें। ये देखिए मेरा ड्राई फिश की रेसिपी ये रेडी हो चुकी है, हम इसे शूट की माछ भी बोलते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, ये पका लेने के बाद भी इनमें वो स्मेल रह जाएगा, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप इसे एक बार ट्राई करो, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करना, और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलना। बाय बाय।